दोस्तों सुहागा जी, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की मदद से दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि रेसो एप्लीकेशंस क्या है और उस एप्लीकेशंस को आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ एक एप्लीकेशन है जिसका कि नाम है रेसो। तो हम दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले यह एप्लीकेशंस कौन से काम में आता है और कैसे इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले चलेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में, एंड प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों यहाँ सर्च कर लेंगे रेसो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ जैसे ही रेसो सर्च करते हैं, जिसका कि स्पेलिंग है RESO, आपको हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे जो रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा होगा, आपको इस एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेना है। हम बता दें दोस्तों, ये जो है एक एप्लीकेशंस वीडियो मेकर एप्लीकेशन से, जहाँ कि आप ढेर सारे वीडियो को यहाँ पे बना के अपलोड कर सकते हो, एंड अच्छी खासी फ्लोअर्स, ये सारी चीज़ आप यहाँ से पा सकते हो। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर किस प्रकार से यहाँ हमें बताया जा रहा है रेसो एप्लीकेशंस के बारे में। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों 4.2 की रेटिंग एंड 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, तो काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स है। दोस्तों आप भी इस एप्लीकेशंस को ज़रूर यूज करें अपने मोबाइल फ़ोन में। तो हम आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन के हम स्क्रीन पर, और यहाँ से इस एप्लीकेशंस को ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन कर लेने के बाद दोस्तों इसका इंटरफेस आपको हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करते हैं इसको, जो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेने देते हैं, एंड इसका काम लोडिंग होते ही हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थोड़ा लोडिंग लेने में टाइम ले रहा है, क्योंकि हमारा नेट जो यहाँ पर काफ़ी स्लो चल रहा है, तो हम इसे थोड़ी देर वेट करते हैं एंड लोडिंग लेने देते। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे ये एप्लीकेशन जो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। अब एक ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है, जहाँ कि हमें कहा जा रहा है कंटिन्यू विथ फेसबुक, एंड दूसरा ऑप्शन में हमें दोस्तों कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पर हमारा एक अन्य मेथड भी है, जहाँ कि हमें बताया जा रहा है अदर लॉगिन मेथड। आप अगर दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन होने के लिए कहा जाएगा। तो हम दोस्तों मोबाइल नंबर से ही यहाँ लॉगिन होना चाहेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ फ़ोन नंबर आ चुका है, तो फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। एंड उसके बाद जो दोस्तों हम क्या करेंगे, सेंड कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेंड कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते दोस्तों, आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ जो है हमारा मोबाइल नंबर डालने के साथ हम यहाँ सेंडिंग कोड पे जैसे क्लिक किए तो ये OTP हमें भेजेगा अभी, और जो भी OTP आएगा तो हम उस OTP को एंटर करेंगे एंड आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ी सी यहाँ पे बैक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे OTP डालने में काफ़ी वक्त लगा रहा है। तो हम कंटिन्यू विथ फेसबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से हम फेसबुक से जो है लॉगिन होना चाहते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ फेसबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, एंड हमारा फेसबुक का सारा डाटा ये एक्सेस करके थोड़ी देर में लॉगिन कर देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोडिंग ले रहा है, और हमारा फेसबुक का टोटल डाटा को एक्सेस करके रेसो एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे हमें यहाँ बताया जा रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे मेरा जो भी प्रोफाइल है उसका नाम के आगे दोस्तों के रूप में जारी रखे, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इतना कर देने के बाद दोस्तों आप हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये लोडिंग ले रहा है। हम इसे यहाँ लोडिंग लेने देते हैं, और अब दोस्तों ये लोडिंग ले लेने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ बताया जा रहा है आप जो है किसी सिंगर को सेलेक्ट करें। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, पंजाबी वाले सिंगर को सेलेक्ट करेंगे एंड हिंदी वाली सिंगर को सेलेक्ट करके आगे की ओर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो इसे डन के नीचे एक स्किप का ऑप्शन है, वो सारी चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ सारी चीज़ को स्किप कर दिया, एंड स्किप कर देने के बाद स्किप कर देने से कोई दिक्कत नहीं होता। अब देख सकते हैं इस एप्लीकेशंस के जरिए दोस्तों आप जो है यहाँ पे बहुत सारे गाना जो है सुन सकते हैं, एंड जो भी गाना आपको पसंद है। आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर किस प्रकार से यहाँ एक सर्च का ऑप्शन हमें मिल रहा है, राइट साइड के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ से दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे टैप करके एंड गाना को सर्च कर सकते हो, जो भी गाना आपको सुनना। उसके बाद दोस्तों आपको अगर इसमें से कोई सा भी गाना डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।
एंड आपको बाद वो इसके बाद दोस्तों अगर आपको उस गाना को लाइक करना है तो इस वाले ऑप्शन पे आप टच कर दे तो लाइक हो जाएगा। अगर आपको कमेंट करना है तो इस वाले ऑप्शन पे कमेंट कर देगा। अगर आपको शेयर करना है तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके आगे की ओर बढ़ सकते हो। व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ों पे आप शेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर से आप इस गाना को प्ले कर सकते हैं। एंड आपको थ्री डॉट का जो ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ये कनेक्ट डिवाइस एंड व्यू एल्बम माई लाइब्रेरी, यहाँ पे दोस्तों इतना सारा प्रोफाइल आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो सारी चीज़ को आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ दोस्तों एक इक्वलाइजर का ऑप्शन आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक इक्वलाइजर का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों होता है कि आप कोई सा भी गाना सुन रहे हैं और आप उसे डीजे में सुन रहे हैं या बॉक्स में सुन रहे हैं या मोबाइल फ़ोन या ईयरफोन में कोई सा भी गाना सुन रहे हैं, तो उस गाना को आप जो है अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग आवाज़ में, अलग अलग बीट पे आप सुन सकते हैं इक्वलाइजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों। एंड उसके बाद दोस्तों आप यहाँ हाइट का एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, हाइट वाले ऑप्शन पे आके कोई सा भी गानों को आप छिपा सकते हैं। व्यू आर्टिस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप व्यू आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पर दोस्तों आके जो है आप देख सकते हैं कि आपने किन किन आर्टिस्ट को जो है देखा है। एंड व्यू एल्बम वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत सारे एल्बम हैं, जहाँ की एक रब मंगू अब गाना है दोस्तों जो कि जिसका सिंगर है जस मानक। इस प्रकार से दोस्तों आप ये सारी डिटेल्स यहाँ से देख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।